बजरंगढ़ चौराया स्थित जैम्बे सेवा समिति की ओर से आज संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल को 4 स्टील के कूलर भेंट किए गए। समिति के पदाधिकारी राजेश टंडन ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर में भीषण गर्मी के कारण आमजन परेशान है और दूसरी ओर देखा जाए तो मरीज और उनके परिजनों को ठंडे पानी की आवश्यकता होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए जैम्बे सेवा समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि जवाहरलाल नेहरू अस्पताल को ठंडे पानी के कूलर भेंट किए जाएंगे। आज इसी के तहत अस्पताल प्रशासन को 4 कूलर सौंपे गए। वहीं सेवा समिति ने कहा कि कूलर के मेंटेनेंस का भी जैम्बे सेवा समिति द्वारा पूरा ध्यान रखा जाएगा और समय समय पर इनकी मरम्मत भी कराई जाती रहेगी। के द्वारा जेलन अस्पताल में हमने जो है 4 बॉटल कूलर स्टील बॉडी के दिए हैं, जो मरीजों की और उनके अटेंडेंट्स की सहायता के लिए, क्योंकि 42 डिग्री पे भी टेम्परेचर चल रहा है, तो गर्म पानी बहुत होने की वजह से लोगों को ठंडा पानी नहीं मिल पा रहा था। इसी संदर्भ में हमने आज जो है ये कमेटी ने निर्णय किया और कमेटी ने जो है ये कूलर जो है इनको दिए हैं। और कूलर देने के बाद ये हमारा संकल्प ये हमने कहा है कि आपके इनकी मेंटेनेंस का, इनको ठीक करने का, कोई कूलरों को कोई और भी काम हो तो हम प्लम्बर जो है वो हम उपलब्ध कराएंगे और मेंटेनेंस करेंगे, क्योंकि डॉक्टरों की इतनी व्यस्तता के बाद अस्पताल के जो ये काम छोटे कामों के लिए तो हम हमारे पास मंदिर के प्लम्बर हैं, हम इनके जो है ये अपनी सेवाएँ यहाँ पे देंगे और जब भी अभी इतना करेंगे तो हम इनको बताएंगे और इसके बाद भी जब भी कोई और काम होगा, क्योंकि हम जब भी कोई भी कार्य होता है तो जो भी है वो अस्पताल को ही करते हैं और ये जन सहभागिता का जो रोल है, जन सहभागिता के द्वारा जो किया जाता है वो अस्पताल को ही किया और इसी के संदर्भ में आज हमने ये वाटर कूलर सेवा समिति की ओर से जैम्बे सेवा समिति के पदाधिकारी श्री सज्जन सिंह जी एवं उनके साथियों के और उनके ट्रस्ट के सहयोग से जेएलएन चिकित्सालय में भर्ती मरीजों के एक बेसिक जो नीड जो होती है वाटर कूलर, एक ठंडा पानी मिले। जिस तरह से हम जानते हैं कि गर्मियाँ बहुत पड़ रही हैं और वाटर कूलर हैं भी, लेकिन इतने पर्याप्त नहीं है जितना मरीजों का और मरीजों के अटेंडेंस हैं, क्योंकि कई 4-5 हज़ार जो मरीज के परिजन पर डे का एक होता है इनका आवागमन, और उन्हीं में सहयोग प्रदान करने के लिए इन्होंने जो है 4 वाटर कूलर अपनी तरफ से, संस्था की तरफ से दिए हैं। और इन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि आगे भी अगर आवश्यकता पड़ी चिकित्सालय को उसके मरीजों की सेवा के लिए तो हमेशा तत्पर रहेंगे। पूरा चिकित्सालय प्रशासन इनका सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। सर, ये वाटर कूलर कहाँ कहाँ पे लगने के विषय संभव? ये अलग अलग है, जो है यूरोलॉजी में लगेगा, यूरोलॉजी में आज सुबह लगा दिया, कार्डियोलॉजी में लगेगा, ऊपर कोटीज में लगेगा, तो जहाँ पहले से नहीं लगे थे, या फिर ऐसे कूलर हो गए थे जो रिपेयरेबल डैमेज, ज़्यादा उनकी लागत इतनी आ रही थी रिपेयर की तो उसको ठीक करना ज़्यादा उचित नहीं होता था, उसकी जगह नया लगाए। इसी के साथ में आज एक जो है महिला के जो परिजन जो कि यहाँ भर्ती रहे थे, उनके परिजनों ने भी एक वाटर कूलर और डोनेट किया है, जो ऊपर कोटेज वार्ड की जो है जहाँ भर्ती मरीज हैं उनके और उनके परिजनों के लिए लगाया जाएगा। मैं सभी जो जनता से आग्रह करना चाहूँगा कि इस तरह के सामाजिक कार्य जो हैं उनसे हमेशा जुड़े रहें और संस्था को जब भी आवश्यकता होती है तो आपके माध्यम से अवगत भी कराते हैं। सरकार भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती है, लेकिन फिर भी जन सहभागिता से जो कार्य होता है उसका एक अलग ही जो है अनुभूति होती है। धन्यवाद।